हेलो, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू माय चैनल, इट्स नेहा व्लॉग्स अभिजान। सो टुडे वीडियो इज़ अ DIY वीडियो। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम शूटिंग दिस DIY वीडियो एंड इट इज़ एन अमेजिंग DIY एलोवेरा जेल फेशियल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। इवन अ टीनेजर कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फेशियल एज दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। सो द इन्ग्रीडियंट्स वॉट आई एम यूजिंग इन दिस फेशियल एंड ईजिली अवेलेबल एट योर होम। सो यू कैन रिपीट दिस फेशियल इन एवरी 15 डेज फॉर अ बेटर रिजल्ट। दिस फेशियल हेल्प योर स्किन टू बिकम मोर हेल्दियर, ब्राइटर एंड लाइक फ्लॉलेस स्किन यू विल गेट बिकॉज ऑल द इन्ग्रीडियंट्स आर नेचुरल। फर्स्टली आई विल टेल यू द बेसिक स्टेप्स ऑफ द फेशियल एंड ऑल्सो वॉट द इन्ग्रीडियंट वी नीड इन एवरी स्टेप। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट गेट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल माई नोटिफिकेशन। लेट स्टार्ट द वीडियो। किसी भी फेशियल के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं: क्लींजिंग, स्क्रबिंग, स्टीमिंग, फेस मसाज एंड फेस पैक। यहाँ मैंने एलोवेरा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है लीव से। सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक द सेपरेट वीडियो हाउ दिस एलोवेरा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीव्स। सो प्लीज़ टेल मी ऑन कॉमेंट सेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग। इसके लिए हम लेंगे 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल और उसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क मीन्स कच्चा दूध और दोनों को मिक्स करके अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको फेस पे अच्छे से मसाज करना है बहुत ही नॉर्मल हैंड से। तो ये यूज़ करने से आपके स्किन का सारा डर्ट रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही क्लीन हो जाएगी। मिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर आर स्किन एंड इट मेक्स आर स्किन मोर ब्राइट एंड ग्लोइंग एंड ऑलवेज यूज़ रॉ मिल्क। द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस फेशियल इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा हेल्प्स टू रिमूव पिम्पल फ्रॉम आर स्किन एंड इट ऑल्सो वर्क एज एंटी बैक्टीरियल for our skin which helps to reduce many skin problems. It also moisturizes our face and remove the dead skin cells very easily. Also helps to remove tanning from your skin and will make your skin more brighter and glowing. So after 2 or 3 minutes of massage you can wash your face from normal water or you can wipe it with a wet towel or a sponge. The next step is scrubbing. For this we need 1 स्पून ऑफ राइस फ्लावर दैट इज़ चावल का आटा एंड 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। वी नीड टू मिक्स बोथ द इंग्रेडिएंट्स रियली वेल एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड मसाज इट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। राइस फ्लावर इज़ वेरी नाइस स्क्रब फॉर आवर फेस। इट हेल्प्स टू ब्राइटन आवर स्किन एंड रिमूव्स ऑल द डलनेस फ्रॉम आवर स्किन एंड इवन इफ योर स्किन इज सेंसिटिव देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस स्क्रब। And this facial is for all skin types and after 5 minutes of your massage you can remove it by washing your face or simply wipe it. You can use this scrub on your all exposure areas like on your neck and your hands as well. Simply after washing your face you will be getting the result in your second step. Step is steaming. Here I am using wet hot towel to steam my face. You can directly steam from the steamer also and steam is very useful for our face which removes dead skin cells and black and white heads if you have. Also remove the fine lines from your face and it will also remove the pimples if you are having a pimple problem, so steam is very useful. After steaming, next step is face massage. For this we need 2 spoon of aloe vera gel, 1/2 spoon of glycerin, so I am using rose glycerin, you can use any glycerin, 1 vitamin E capsule which is very important for this facial and also add any essential oil if you are having and you can skip this step also if you don't have any essential oil. Glycerin is a very nice moisturizer for your skin but if your skin is oily you can skip this glycerin and for dry to normal skin it is very useful. I also added some drops of essential oil which helps to relax our skin and here we also added vitamin E capsule which helps to remove fine lines and dark circles from your skin. Vitamin E also helps to brighten your skin and give you very smooth texture to your skin. Apply this mixture on your face and massage it very gently on your face. You have to press your all pressure points also that will relax your face and gives you more glowing skin. Please do as I am doing.
एंड प्लीज़ ट्राई दिस फेशियल. दिस फेशियल इज़ एन अमेजिंग फेशियल एंड यू विल गेट द रिजल्ट डेफिनेटली इफ़ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स वॉट आई एम टेलिंग यू. सो नाउ माई मसाज हैज़ बीन डन. सो इट्स टाइम टू क्लीन अप योर फेस. अगेन यू कैन वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर और यू कैन सिंपली वाइप इट. सो हेयर आई एम प्रेसिंग ऑल माई पॉइंट्स एज यू कैन सी. सो इट विल गिव्स यू सो मच रिलैक्स. At 10 or 12 minute of massage, you can simply wash your face or you can also wipe it with the wet towel. So now my facial has been done. So the last step is remaining, that is your face mask. Let's move on to the last step, and last step is face mask. For this we need 1 spoon of haldi and add 2 spoon of aloe vera gel. So here our face mask is ready. Haldi makes our skin even and gives natural glow to our skin. And if your skin is dry, you can also add some drops of olive oil or essential oil. So use this mask all over your face, neck, and even you can apply it on your hands. So apply it very evenly, and after 7 to 8 minutes you can wash it with water, normal water. You can see how I am applying this mask evenly. So now it's done. So I'm going to wash my face. So after washing the face, you can see the result. It's really very nice. Skin is really glowing now and it looks so clean. Like the video, please hit the like button and also tell me on comment section how this video is. So chaliye milte hain kisi next video mein. Till then, bye, take care and keep watching Neha Vlogs Abhijan. Bye bye.